गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा, 90% बजट भुगतान के बाद सिर्फ 60% हुआ काम। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई की शुरुआती जांच में पाई गई है खामियां। सिर्फ सफाई के लिए पति पत्नी ने डाली टेंडर, पत्नी को 1,88,00,000 का ठेका मिला। अफसरों ने टेंडर में नियमों को ताक पर रखा, सिर्फ सफाई का काम सुनीता यादव की कंपनी को मिला, सुनीता यादव की कंपनी ग्लोबल कंस्ट्रक्शन। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के ओवैसी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि हमारी कोशिश बीजेपी को सत्ता से हटाना। ओवैसी बोले, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार को हराने की हमारी पूरी कोशिश होगी। वाराणसी में एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी नेताओं को हुआ है मोतियाबिंद, इसलिए नहीं दिख रही परेशानी। कांग्रेस नेता शहनवाज जालम का एसपी और बीजेपी पर हमला, कहा जाट समुदाय को उकसाना चाहती है बीजेपी, एसपी और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। शहनवाज आलम ने कहा कि अबू आजमी बताएं मुजफ्फरनगर कांड के वक्त अखिलेश जी का सलमान खान का डांस देखना उचित था क्या। जी हिंदुस्तान की खबर का सर, स्वतंत्र देव बोले जाट समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरहद से लेकर स्पोर्ट्स तक जाट समुदाय का योगदान। स्वतंत्र देव ने जी हिंदुस्तान का वीडियो किया ट्वीट, अबू आजमी के विवादित बयान वाला वीडियो किया शेयर, अबू आजमी ने जाट पर दिया था विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय का एसपी नेता अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा, जाटों पर दिए विवादित बयान से गुस्साए लोगों ने फूंका आजमी का पुतला। 15 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करेंगे उद्घाटन, लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव को चढ़ाया दूध। बीजेपी सांसद रवि किशन की ओवैसी को चुनौती, कहा कि दम है तो महाराज जी को छू कर दिखाओ, योगी जी को छूओगे तो हैदराबाद उड़ जाओगे। सीएम योगी ने विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का लिया जायजा, बैठक कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। महाराष्ट्र में राज्यपाल से मिले निलंबित बीजेपी विधायक उद्धव, सरकार के खिलाफ राज्यपाल से की शिकायत, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन क्लीन को लेकर अलग अंदाज में दिखे योगी, कहा सरकार का बुलडोजर अपराधियों की छाती पर चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नोटिफिकेशन जारी, 8 जुलाई को होगा नामांकन, 10 जुलाई को मतदान और नतीजे। चित्रकूट में तय होगी यूपी की सियासत, 7 दिन के चित्रकूट दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी की जीत का बनेगा मास्टर प्लान। मोहन भागवत 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में होंगे शामिल, पंडित दीनदयाल सोदर संस्थान आरोग्य धाम में होने वाली है बैठक। प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम अहम बैठक, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट विस्तार से पहले कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण भी मौजूद होंगी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। कैबिनेट में बड़े बदलाव संभव, 7 जुलाई को सुबह 11 बजे हो सकता है कैबिनेट विस्तार, 20 से 22 सांसद ले सकते हैं शपथ। आगामी चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश से कई बड़े चेहरे को मिल सकती है जगह, 2 सप्ताह पहले सभी मंत्रियों के मंत्रालय के कामकाज की पीएम ने की थी समीक्षा। गृह मंत्रालय में आज शाम 5 बजे हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर होगी चर्चा। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के साथ गृह सचिव एनएसए अजीत डोवाल और आईबी प्रमुख रहेंगे मौजूद, एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। श्रीनगर में आज कश्मीर के परिसीमन आयोग की टीम ऑल पार्टी मीटिंग करेगी, परिसीमन के मुद्दे पर सभी दलों से होगी चर्चा। आयोग जम्मू कश्मीर के सभी राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग बैठक करेगी, गुपकार अलायंस की तरफ से अभी कोई संयुक्त निर्णय नहीं। दिल्ली बार काउंसिल ने वकील इकबाल मलिक का लाइसेंस किया रद्द, इकबाल ने धर्म परिवर्तन और मुस्लिम विवाह के लिए किया था अपने चैंबर का इस्तेमाल। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक मामले में बयान जारी कर कहा कि इस तरह की गतिविधियां पूरी तरह से लज्जाजनक और कानूनी पेशे की गरिमा को नकारती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जबरन धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने का आरोप। दिल्ली एनसीआर में सोमवार रात को महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप का केंद्र हरियाणा का जलचर रहा। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी ममता बनर्जी, विधानसभा सीटों के अनुसार बंगाल में विधान परिषद में 98 सदस्य हो सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सीएम अमरिंदर सिंह आज दोपहर 2 बजे के बाद सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात, मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस में घमासान खत्म करने पर होगी चर्चा। अनिल देशमुख के पीए को आज ईडी कोर्ट में करेगी पेश, ईडी देशमुख के पीए की कस्टडी की मांग करेगी।
अनिल देशमुख के बड़े बेटे ऋषिकेश देशमुख को आज ईडी के सामने पेश होना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख के बड़े बेटे से होगी पूछताछ। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी की याचिका पर दोपहर को होगी सुनवाई। सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। ट्विटर की मनमानी पर केंद्र सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा। कहा कानून की अनदेखी कर ट्विटर ने खोया सरकार का भरोसा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत टीएमसी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लिखी चिट्ठी। ममता ने की पेट्रोल डीजल से टैक्स हटाए जाने की अपील। घाटी में तेजी से सामान्य हो रहे हालात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में गोल्फ कोर्स का किया उद्घाटन। लोगों के लिए फिर से खुला गोल्फ कोर्स। दिल्ली सरकार आज से आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत करेगी। कोरोना महामारी में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों की मदद के लिए बनाई गई है योजना। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोरोना की वैक्सीन 8 गुना कम असरदार है। दिल्ली के अस्पताल की स्टडी में किया गया दावा। इस स्टडी के मुताबिक दोनों डोज ले चुके हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने के पीछे की वजह डेल्टा वेरिएंट ही था। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल सहित भारत में 3 केंद्रों पर 100 से अधिक हेल्थ वर्कर्स पर हुई है स्टडी। स्टडी में कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक भी शामिल थे। अगस्त के दूसरे हफ्ते में तीसरी लहर के शुरू होने की आशंका। कोरोना की तीसरी लहर पर एसबीआई ने जारी की रिपोर्ट। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में होगी तीसरी लहर का पीक। दूसरी लहर से 2 गुना होगा तीसरी लहर का पीक। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 39,796 लोग हुए कोरोना संक्रमित। एक दिन में 723 लोगों की गई जान। बिहार में अनलॉक 4 का ऐलान। 50% छात्र छात्राओं के साथ खुलेंगे स्कूल कॉलेज। रेस्टोरेंट स्विमिंग पूल और जिम भी खोलने की इजाजत। कोरोना काल में मनाली से आई डराने वाली तस्वीर। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। मनाली में नजर आ रही है बेपरवाह पर्यटकों की भीड़। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। कहा कि नहीं बढ़ाई जाएगी ट्यूशन फीस। तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बावजूद खुलेंगे स्कूल। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में फायरिंग। गोलीबारी में 4 लोग घायल। मोटरसाइकिल में खरोच लगने के बाद हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली। 3 बदमाश गिरफ्तार। प्रयागराज में कैमरे में कैद हुआ बदमाशों का आतंक। रंगदारी नहीं देने पर युवक की बेरहमी से पिटाई। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर्ष वारी का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवक की कर रही है तलाश। उत्तराखंड के देहरादून नैनीताल पौड़ी बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट जारी। निकाय चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। आज 6,876 अवैध कॉलोनियों को लेकर के फैसला ले सकती है कैबिनेट। सीएम शिवराज का महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर फोकस। हिंसा और कुपोषण के खिलाफ महिला स्व सहायता समूहों की मदद लेने के निर्देश। इंदौर में 2,44,00,000 रुपए का 5 किलो सोना जब्त। 3 आरोपियों को मांगलिया से किया गिरफ्तार। मुंबई से आरोपियों का पीछा कर रही थी डीआरआई की टीम। एमपी के पन्ना में 3 बच्चों की मौत। 14 बीमार। आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार। सीएमएचओ ने तालाब के गंदे पानी से बीमारी की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के देवास में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रेत से भरा ट्रक बोलेरो के ऊपर पलटा। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे एरियल सर्वे। बंजारिया सुगौली और ढाका प्रखंड का लेंगे जायजा। बिहार के मुंगेर में फूड पॉइजनिंग से तकरीबन 100 लोग बीमार हुए। पूजा का प्रसाद खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती मचा रही है तबाही। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बागमती नदी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से लोगों का जीना हुआ दुबर। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं। बिहार के सहरसा में पुलिस ने 7 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास 1 पिस्टल 3 देसी कट्टे समेत चोरी की ऑल्टो कार बरामद। झारखंड के कोडरमा में एम्बुलेंस के दुरुपयोग का मामला आया सामने। मरीजों की जगह छोड़ा जा रहा है सीमेंट। चिकित्सा पदाधिकारी लगा रहे हैं गंभीर आरोप। 7 जुलाई को होगी गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक। बैठक में लिए जाएंगे नीतिगत निर्णय। मानसून सत्र के मद्देनजर अहम मानी जा रही है मीटिंग। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से गैंग रेप। 3 दरिंदों पर 16 साल की नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया। महिला थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। राजस्थान के बाड़मेर में बोलेरो और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। राजस्थान के कोटपुतली में बेकाबू कंटेनर पुल से नीचे जा गिरा। कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के दौसा में रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन की पिटाई। महिला सहित कुछ युवकों ने जमकर की धुनाई। शराब के नशे में 2 घंटे तक फाटक बंद रखने का आरोप।
राजस्थान के बाड़मेर में पर्यावरण को लेकर के अनोखी पहल। पर्यावरण प्रेमी एक शख्स ने बहन को दहेज के रूप में दिए 151 पौधे। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट टीचर यूनियन के आज पंजाब के शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव से पंजाब भवन में मीटिंग। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का मोहाली में शिक्षा विभाग के बाहर 20 दिन से चल रहा है धरना। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली से 90 करोड़ रुपए की 17 किलो हेरोइन बरामद। 4 अफगान नागरिकों को किया गया है गिरफ्तार। जेल के बाद एक महीने से भी कम समय में करीब 7 लाख सैलानी हिमाचल पहुंचे। मैदानों में गर्मी और मॉनसून में देरी के चलते बढ़ा आंकड़ा। तापमान गिरने से भारी तादाद में शिमला पहुंच रहे हैं सैलानी। गर्मी और तेज धूप से दूर परिवार के साथ बिता रहे हैं वक्त। गुजरात के वलसाड़ में 3 ट्रकों के बीच भिड़ंत। ट्रक टक्कर के बाद 2 ट्रकों में लगी आग। 2 लोगों की मौत, 1 को बचाया गया। गुजरात के अमरेली में शेर दिखने से हड़कंप मच गया। शहर में दिख रहे शेर का पूरा परिवार। सड़क पर घूमते दिखे 5 शेर। सोने के भाव में बढ़ोतरी। सोना 46,339 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ बंद, जबकि चांदी की कीमत में भी आई तेजी। भारत में विमान कंपनी अब 65% पैसेंजर्स के साथ भरेंगी उड़ान। नागरिक विमान मंत्रालय ने किया ऐलान। हाईवे पर सफर के दौरान 24 घंटे के अंदर वापसी पर टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट अभी भी रहेगी जारी। छूट का पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही भारतीय बाजार में उतारेगी महिंद्रा बोलेरो, कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली 4-व्हीलर गाड़ी। वोडाफोन आइडिया को चलाने के लिए कम से कम 70,000 करोड़ रुपए की जरूरत। डच बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार से सपोर्ट की जरूरत। जोमैटो को 7,500 करोड़ रुपए के आईपीओ को मिली मंजूरी। ऑफर फॉर सेल में इन्फो एज बेचेगी 375 करोड़ के शेयर। भारत समेत 17 देशों ने आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के आयोजन में दिखाई दिलचस्पी। 2024 से 2031 के बीच T20 और वनडे समेत कुल 8 ग्लोबल इवेंट होंगे। 38 साल की उम्र में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंडरसन ने रचा इतिहास। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे किए 1,000 विकेट। श्रीलंका में शुरू होने वाले सीरीज से पहले आपस में भिड़े भारतीय खिलाड़ी। भुवनेश्वर की टीम ने धवन 11 को हराया। टोक्यो ओलंपिक में मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा ओलंपिक गेम का उद्घाटन समारोह। आईपीएल में 2 नई टीम लाने को तैयार बीसीसीआई। अगस्त के मध्य में बोली की प्रक्रिया होगी शुरू। अक्टूबर में नई टीम का हो सकता है ऐलान। दिशा पाटी ने किया जबरदस्त डांस। सोशल मीडिया पर दिशा का वीडियो हुआ वायरल। टाइगर श्रॉफ ने भी की दिशा की तारीफ। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर का नया वीडियो वायरल। शनाया खूबसूरत अंदाज में कर रही हैं कथक। गौहर खान अपने पति जैद दरबार के साथ रूस में बिता रही हैं वक्त। गौहर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा सपना हुआ पूरा। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने बदला अपना लुक। ताहिरा ने अपने बालों का रंग बदला। सोशल मीडिया पर खुद किया शेयर वीडियो। अभिनेत्री मंजरा बेदी ने पति राज कौशल के निधन के बाद किया पहला पोस्टर शेयर की 3 तस्वीरें। तालिबान के खौफ से 1,000 अफगान सैनिक ताजिकिस्तान भागने पर मजबूर। कंधार पर कब्जे की फिराक में तालिबानी आतंकी। पाकिस्तानी आतंकी भी तालिबान के साथ शामिल। अफगानिस्तान एनएसए बोले हम जल्द लेंगे बड़ा एक्शन। तालिबान के कब्जे वाले इलाके को छुड़ाने की तैयारी। चीन के राष्ट्रपति आज नेपाली टॉप लीडरशिप के साथ वर्चुअल करेंगे मीटिंग। जिनपिंग का मकसद नेपाली लीडर्स को चीन के फेवर में लाना है। और इंडोनेशिया में बाइकर्स का एक ग्रुप एम्बुलेंस को रास्ता देने में कर रहा है मदद। कोरोना काल में मरीजों को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने में हो रही है आसानी।